बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, न्यू लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि आपका जो वर्डप्रेस का पैनल है, एडमिन पैनल, इसमें कौन कौन से ऑप्शंस हैं। कुछ ऑप्शंस हमने ऑन नीड बेसिस, मतलब जो जो काम हम करते रहे, पेजेस बनाते रहे, पोस्ट बनाते रहे, तो हम उनको यूज़ करते रहे, प्लगइन्स को यूज़ करते रहे, तो जो हमने पूरे एडमिन पैनल को डिस्कस नहीं किया, हम ऑन नीड बेसिस जो जो हमें चाहिए होते थे, ऑप्शंस जो चाहिए होते थे, वो उनको हम यूटिलाइज़ करते थे। ठीक है, तो लें जी, अभी हम देखते हैं कि हमने कैसे जो है ये एडमिन पैनल को सारा हमने करना है, रिव्यू करना है, तो ये सारी चीज़ें अभी देखते हैं। ओके जी, चलें जी, देखते हैं वन बाय वन एडमिन पैनल को। ये जो जब हम डैशबोर्ड को क्लिक करते हैं, ये असल में हमारा वर्डप्रेस का एडमिन पैनल है, या जब हम WP एडमिन से हम एंटर हो जाते हैं तो एक्चुअली हम डैशबोर्ड में पहुंच जाते हैं। ये हमारा डैशबोर्ड है, जहां पे आप समझे कि डैशबोर्ड के अंदर हमारे वेबसाइट की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ जाती है, मतलब इसके अंदर कोई लेटेस्ट जो प्लगइन इंस्टॉल किए हैं उनकी इन्फॉर्मेशन आ गई। यहाँ से अगर वेबसाइट को कस्टमाइज़ करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, और कोई पोस्ट ऐड करना चाहते हैं तो इसकी बजाय इधर से ही डैशबोर्ड में ही कुछ ऑप्शंस यहीं पे मौजूद हैं। यानी आप कह सकते हैं कि वर्डप्रेस के एडमिन पैनल की जो क्विक एक्सेस है वो यहाँ पर मौजूद है। एड एन अबाउट पेज, सेटअप योर होम पेज, विजिट योर साइट, यानी जो उन्होंने समझा कि जो कॉमन चीज़ें हैं उसको यहाँ पे रख दिया जाए डैशबोर्ड के अंदर। ठीक है, और अपडेट्स वगैरह भी डैशबोर्ड में, अगर कोई वक्त के साथ साथ वर्डप्रेस में असल में क्या होता है, वो हम थीम्स होते हैं, प्लगइन्स होते हैं, तो वो डैशबोर्ड में ही हमें बताता रहता है कि भाई ये थीम जो है इसका अपडेट आ गया है, आप इसको अपडेट कर लो। तो होना तो यही चाहिए कि हमें जो है वो अपडेट करते रहना चाहिए। ये देखें, जैसे इन्फॉर्मेशन मुख्तलिफ हमारे पास आती जा रही है, यहाँ पे अपडेट्स में भी ये अगर हम बटन प्रेस करें डैशबोर्ड का, तो यहाँ पे हमें एग्जैक्टली बता देगा कि आपने जो जो प्लगइन्स वगैरह इंस्टॉल किए हैं उनका अगला वर्जन आ गया, तो आप उसको अपडेट कर लो। ठीक है जी, यू हैव लेटेस्ट वर्जन ऑफ वर्डप्रेस, वर्डप्रेस का तो कह रहा जी आपके पास लेटेस्ट वर्जन है। ठीक है जी, और वो ऑटोमेटिकली फ्यूचर अपडेट्स अप्लाई हो जाएंगी। लेकिन कहता है इसके अलावा ये तीन और प्लगइन्स हैं जो आपने इंस्टॉल किए हुए हैं और इनको अपडेट करने की ज़रूरत है। आपके पास इसका पुराना वर्जन है, ठीक है जी, यू हैव वर्जन 4.1.3, यू हैव वर्जन 3.3, और इसका न्यू वर्जन अवेलेबल है 3.3.4। इसका 1.4.3 है, तो 1.4.8 इसका अवेलेबल है। तो इस तरह आपको यहाँ पे बता देता है कि ये प्लगइन्स जो है ना अपडेट होने वाले हैं, क्या आप उन्हें अपडेट करना चाहते हैं। तो मैं अगर इसको ये देखें सिलेक्ट ऑल करके अपडेट प्लगइन्स का बटन दबाऊं, तो वो सारों को क्या कर देगा, एक ही वक्त में अपडेट कर देगा और मुझे बता देगा, कहेगा कि ये प्लगइन्स आपके अपडेट हो गए हैं, अभी अपडेट कर रहा है। साथ ही अपडेट में यहाँ पे चार की बजाय एक आ जाना चाहिए, अगर वो तीन अपडेट हो चुके हैं, अभी बताएगा, अभी कर रहा है। ये जब तक ये आपको इस तरह का निशान आता जा रहा है, लें जी अब अपडेट हो गया। ये देखें चार की बजाय अब वहाँ पे वन नज़र आना शुरू हो गया। कहता तीन चीज़ें तो तुमने अपडेट कर ली हैं, ठीक है, और एक चीज़ अभी भी रिक्वायर है जिसको अपडेट करना अभी ज़रूरी है, तो वो क्या है जी, वो है ठीक है, वो ये है, वो कह रहा कि इसको आप सेटअप करें, इसको तो ये लीव अ रिव्यू, ये तो रिव्यू कह रहा है सिंपली कि रिव्यू दें, रिव्यू नहीं देना चाहते हम, ये ख़त्म हो गया। लेकिन वो अभी भी अपडेट एक अवेलेबल है, कहता है जी इसको आप क्या करें, अपडेट करें, कनेक्ट मैट्रिक्स को, इसको कनेक्ट करें, इसको सेटअप करें, तब आपकी वेबसाइट के एनालिटिक्स आपके पास आएंगे। बहरहाल ये मैं अभी नहीं करना चाह रहा, इस पर मेरा मैं एक लेक्चर दूंगा, वो वेबसाइट के एनालिटिक्स के ऊपर होगा। एनालिटिक्स के बारे में अभी थोड़ा सा बस इतना बता दूँ, पूरा लेक्चर उस पर होगा और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एनालिटिक्स। ये है कि अभी तक तो सीख रहे हैं वेबसाइट बनाना, अच्छा जब वेबसाइट बन जाती है ना,
तो वेबसाइट बनाने वाले को ज़्यादा फिक्र होती है कि इस वेबसाइट पे यूज़र्स कितने आ रहे हैं, कैसे यूज़र बढ़ें, मैंने क्या कौन सा प्लगइन इंस्टॉल किया या कौन सी नई चीज़ ऐड की तो यूज़र बढ़े थे, ताकि आइंदा वो प्रैक्टिस शुरू करे कि अच्छा मैंने जब इस पे दो तीन नई पोस्ट की थी तो यूज़र बढ़ गए थे। तो वो फिर वेब डेवलपर जो होता है या जिसका जो वेब मास्टर होता है वो ये उसके मुताबिक काम करता रहता है कि कैसे मेरे यूज़र बढ़ें, क्योंकि असल में तो पॉपुलर वेबसाइट या अच्छी वेबसाइट वही है जिसके यूज़र ज़्यादा हैं। ठीक है जी, तो ये सारी चीज़ें देखने के लिए, ताकि आपको इसका एनालिसिस वक्तन फोक्तन पता चलता जाए, उसके लिए ये वेब एनालिटिक्स का सारा सिस्टम होता है, गूगल एनालिटिक्स का सिस्टम होता है, वो सारा मैं आपको इंटीग्रेट करना बताऊंगा इसी वीक के अंदर इंशाल्लाह। ठीक है जी, तो ये अभी मैं इस पे नहीं करना चाह रहा। ठीक है जी, तो ये मैं इंशाल्लाह करूंगा अभी और आपको सारा सिखाऊंगा भी। अगला जो लेक्चर आएगा नेक्स्ट, प्रॉबेबली कल का लेक्चर या फिर फ्राइडे वाला लेक्चर। ठीक है जी, तो ये इस तरह से अपडेट्स यहाँ पे हम करते हैं। कोई बात नहीं, ये एक अपडेट अभी मैं नहीं कर रहा। एग्जैक्ट मैट्रिक्स मैंने असल में ये प्लगइन है तो इसको मैंने इंस्टॉल कर लिया है, मुझे ये चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको मैंने अभी सेटअप नहीं किया। ये मैं सारा काम करूँगा इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर और आपको सिखाऊँगा इसको कैसे हमने सेट करना है। ठीक है जी, अच्छा अब वन बाय वन इसको ज़रा देखते हैं। डैशबोर्ड को थोड़ा सा हम समझ गए। डैशबोर्ड में मेन चीज़ जो हमने समझी है वो है अपडेट्स, एक डैशबोर्ड का होम और दूसरा डैशबोर्ड की अपडेट्स, यानी डैशबोर्ड के ज़रिए से हमने अपनी पूरी वेबसाइट की चीज़ों को हम अपडेट कर सकते हैं। ये मुझे बताता रहेगा जब तक इसने मेरी जान नहीं छोड़नी, जब तक मैंने ये इसको सेटअप नहीं कर लिया। जब तक सेटअप जब कर लूँगा तो ये वन लिखा हुआ यहाँ ख़त्म हो जाएगा, यानी ये एक तरह से आपको नॉक कर रहा है कि भाई आपके अंदर ये अभी वेबसाइट में कमी है। ठीक है जी, अच्छा पोस्ट के बारे में मैं आपको, हम बहुत अच्छी तरह, मसलन हम आज एडमिन पैनल को रिव्यू कर रहे हैं लेकिन कई चीज़ों को हम बड़ी अच्छी तरह से डिस्कस कर चुके हैं, जिनको कर चुके हैं उनको छोड़ देंगे। तो पोस्ट में हम पोस्ट ऐड करना सारा कुछ हम सीख गए हैं। ठीक है जी, कोई नई पोस्ट कैसे ऐड करनी है, हर पोस्ट की कोई कैटेगरी भी हो सकती है, जिस तरह याद होगा हमने कैटेगरीज भी बनाई थी, ओलंपिक 2020, कोविड 19। जब तक हम कोई पोस्ट कोई कैटेगरी ऐड नहीं करते उस वक्त तक सारी पोस्ट जो होती हैं वो कौन सी होती हैं, अनकैटेगराइज्ड होती हैं। ठीक है जी, पोस्ट के अंदर हम टैग्स भी लगा सकते हैं, आपको टैग्स भी लगाना बताया था पिछले लेक्चर में कि ये टैग हमने बनाए हुए हैं। टैग भी एक तरह से जब इंटरनेट पे कोई चीज़ सर्च होगी ना तो वहाँ पे ये बड़े हेल्पफुल होते हैं। टोक्यो 2020 सर्च करेगा तो कोई भी जो हमने टैग बनाया होगा अगर उसके मुताबिक हमने कोई पोस्ट की होगी, ये बता रहा है कि इस टैग पे आपने चार पोस्ट की हैं स्पोर्ट्स के ऊपर, टोक्यो 20 पे तीन की हैं, सबसे कम हमने ओलंपिक पोस्टपोन पे एक पोस्ट है, इस पे भी एक पोस्ट है। तो ये इस तरह से टैग्स भी हम जो है ऐड कर सकते हैं, न्यू टैग भी यहाँ पे कोई ऐड कर सकते हैं, इधर से भी ऐड कर सकते हैं, जहाँ से हम पोस्ट कर रहे थे ऐड वहाँ से भी न्यू टैग जो है वो पोस्ट कर सकते हैं। मीडिया के अंदर आपने अपने वेबसाइट के अंदर जो पिक्चर्स वगैरह लगानी होती हैं वो आप, एक तरीका तो ये है कि जैसे जैसे पिक्चर लगानी है वो वेबसाइट के अंदर ऐड करते जाएं, और दूसरा तरीका ये है कि क्यों ना लाइब्रेरी के अंदर एक दफ़ा ही ऐड कर लें। मतलब मैंने अपनी वेबसाइट के अंदर 40-50 तस्वीरें लगानी हैं तो बल्क मैं उन सारी पिक्चर्स को मैं एक दफ़ा ही यहाँ से क्या कर देता हूँ, ऐड करता हूँ, ऐड न्यू का बटन दबाता हूँ, सिलेक्ट फाइल्स, यहाँ से मैंने, मेरे पास 50 फाइलें पड़ी हैं, उन सारों को मैं ऐसे कंट्रोल ए का बटन दबा के सबको सिलेक्ट करूँगा, ओपन का बटन दबा दूँगा, मैक्सिमम अपलोड फाइल साइज़ यहाँ पे मौजूद है। इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, वो मैं अभी आज ही बताऊँगा आपको कहाँ से चेंज करते हैं, वो सेटिंग्स से चेंज करते हैं तो वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ से आप पिक करेंगे तो आपकी जितनी भी तस्वीरें वगैरह होंगी वो सारी की सारी इधर आ जाएंगी। तो दो तरीके हैं, एक ये है कि मैं जो जो मैंने पोस्ट नई ऐड करनी है या जो जो नए पेज बनाने हैं, जब मैं नया पेज बनाऊंगा तो उससे रिलेटेड जो तस्वीरें होंगी उनको मैं अपलोड कर लूँगा। ठीक है जी, दूसरा तरीका ये है कि तस्वीरें एक ही दफ़ा आपने जो भी अपनी वेबसाइट के अंदर लगानी है, अगर आपने पहले ही सारा कुछ मटीरियल इकट्ठा किया हुआ है तो वो सारी की सारी तस्वीरें पिक करें, यहाँ से सिलेक्ट करके पिक करके ओपन कर दें, वो सारी की सारी आपकी मीडिया लाइब्रेरी में चली जाएंगी। इसका फ़ायदा क्या होगा आपको,
ठीक है जी, ये मीडिया लाइब्रेरी में चली गई। ठीक है, इसका फ़ायदा ये होगा कि जब भी आप कोई नया पेज बनाने लगेंगे, ये देखें, आपको वो पिक्चर दोबारा दोबारा अपने कंप्यूटर से या वो कहाँ पड़ी हुई है उसको ढूंढना नहीं पड़ेगा। ये देखें, आप कोई भी पेज बना रहे हैं, मिसाल के तौर पर मैं कोई नया पेज बनाता हूँ, जब भी आप कोई नया पेज बनाएंगे, नई कोई पोस्ट करेंगे, तो आपको बार बार ये एड मीडिया करेंगे, तो वो मीडिया लाइब्रेरी आपके सामने आ जाएगी। ये देखें मीडिया, तो जितने भी आपने वीडियोज़ या इमेजेस जो भी आपने ऐड किए होंगे वो सारे नज़र आ रहे होंगे। अभी हमारे पास ऐड ही ये तकरीबन ये 10 इमेजेस हैं, अगर ज़्यादा होते मीडिया लाइब्रेरी में पड़े होते तो वो सारे नज़र आने थे, हमने यहीं से क्लिक करके उसको पेज में इंसर्ट कर लेना था। तो ये फ़ायदा होता है, बहुत सारे मैंने डेवलपर्स देखे हैं वो क्या करते हैं कि जितने भी उनके उनकी वेबसाइट के अंदर जो इमेजेस या वीडियोस लगने होते हैं वो एक दफ़ा पहले एक फोल्डर में रख लेते हैं और वहाँ से मीडिया लाइब्रेरी में उनको ऐड कर लेते हैं। ठीक है जी, कस्टम स्लाइडर तो मैंने खुद एक प्लगइन इंस्टॉल किया हुआ है। अच्छा, प्लगइन्स की बात नहीं अभी हम करेंगे आज के काम में, प्लगइन्स तो जो जो ऐड करते जाते हैं वो सारे यहाँ पे आते जाएंगे। स्मश प्लगइन है, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसके बारे में भी आपको बताऊँगा आने वाले लेक्चर्स में। एग्जैक्ट मैट्रिक्स है, इसके बारे में भी डिटेल से बताऊँगा। ठीक है जी, ये थीम्स और प्लगइन्स इधर आ चुके हैं। तो कस्टम स्लाइडर बनाने के लिए बहरहाल ये एक प्लगइन होता है, तो इसको अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हमारा ये आज का जो टॉपिक है वो ये नहीं है। ठीक है जी, जनरल हमारे एडमिन की सेटिंग है। ये मैं इसलिए कस्टम स्लाइडर को अभी डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि ये हर वर्डप्रेस के अंदर नहीं होते, ये तो जब इंस्टॉल करते हैं कोई नया प्लगइन तो आ जाते हैं। ये एससीओ का प्लगइन तब आएगा जब मैं कोई एससीओ का योस्ट प्लगइन इंस्टॉल करूँगा, यानी ये वर्डप्रेस के अंदर मौजूद नहीं होते, ये तो आप अपने नीड बेस पे इंस्टॉल करते हैं, जिस तरह के आपने पिछले लेक्चर्स में भी कुछ प्लगइन्स मैंने आपको इंस्टॉल करना बताए। ठीक है जी, तो आज का लेक्चर प्लगइन्स पे नहीं है। ठीक है जी, तो हम असल में डैशबोर्ड को और इसके जो वर्डप्रेस की मेन चीज़ें हैं, हर वर्डप्रेस के जो है एडमिन पैनल में पोस्ट होंगी तो पोस्ट के बारे में बता दिया, मीडिया लाइब्रेरी होगी वो आपको बता दिया, पेजेस के ऊपर काफ़ी काम कर चुके हैं, पेजेस बना चुके हैं, पेजेस को एडिट कर चुके हैं, पेजेस को डिलीट करना हो, किसी पेज को डिलीट करना हो तो यहाँ पे क्लिक करके इधर बल्क एक्शन ले लें, मतलब एक से ज़्यादा को डिलीट करना है तो सिलेक्ट करें, ऑल सबको करना है तो इसको क्लिक करके यहाँ से बल्क एक्शन ले लें जी, मूव टू ट्रैश अप्लाई का बटन दबा दें, वो सारे के सारे जो है वो डिलीट हो जाएंगे। ठीक है जी, तो इस तरह आपने जो भी टास्क परफॉर्म करना है इस तरह यहाँ पे आप पेजेस पे परफॉर्म कर सकते हैं। अकेले अकेले पे परफॉर्म करना है, अकेले को डिलीट करना तो ये बटन दबा दें, व्यू करना तो व्यू कर लें, एडिट करना तो एडिट का क्विक एडिट के लिए आपको छोटी सी स्क्रीन आ जाएगी यहाँ पे, इधर ही एडिट कर लेंगे। ठीक है जी, कोई नाम वगैरह एडिट करना, कुछ ज़्यादा डिटेल में एडिट नहीं करना, लेकिन अगर आप क्विक एडिट नहीं करना चाहते, डिटेल से एडिट करना चाहते हैं तो एडिट का बटन दबा दें, पूरा पेज आपके सामने खुल जाएगा। पूरी टेक्स्ट, कोई टेक्स्ट भी चेंज करनी है, फीचर इमेज चेंज करना है, तब आप एडिट का बटन दबाएंगे, क्विक एडिट नहीं दबाएंगे। ठीक है जी, अच्छा उसके बाद होते हैं जी कमेंट्स। तो कमेंट्स में जाएंगे तो आपकी जो पोस्ट्स हैं जो कि आपने अपनी वेबसाइट के अंदर की हुई हैं, ये मेरी वेबसाइट है, इसके अंदर पोस्ट पे अभी कोई कमेंट नहीं आया। अब मैं मिसाल के तौर पर मैं अभी एक कमेंट करता हूँ फिर आपको बताता हूँ, 2020 ओलंपिक्स .org, लो जी ये मैंने मेरे सामने ये वेबसाइट खुल गई। इस वक्त मैं एक यूज़र के तौर पर, मैं एडमिन के तौर पर इसको नहीं ओपन कर रहा, एक यूज़र के तौर पर ओपन कर रहा हूँ। तो मैं इस पोस्ट को व्यू करता हूँ, ये देखें ये पोस्ट है कि नई डेट अनाउंस हो गई है। ठीक है जी, और मैं इस पे पोस्ट करता हूँ, गुड टू नो अबाउट न्यू डेट्स, यानी इस पोस्ट से मुझे ये पता चला, अभी मुझे
खुशी हुई कि मुझे डेट्स, न्यू डेट्स के बारे में पता चल गया। अब जिस जो बंदा इसको चेक कर रहा है वो अपना नाम दे देता है, तब तक उसकी पोस्ट होगी नहीं। सुहेल उसका नाम है, वो अपना ईमेल एड्रेस दे देता है, ठीक है जी। अगर उसकी कोई वेबसाइट है तो वो बता देता है, ठीक है। ले जी, उसने पोस्ट कर दी, पोस्ट के ऊपर कमेंट कर दिया। ले जी, ये उसका सुहेल का कमेंट है, 21 तारीख को इस टाइम पे उसने कमेंट किया, ठीक है जी। ये यूके का टाइम यहाँ पे चल रहा है एक्चुअली, जो इसके अंदर मैंने सेटिंग की हुई है तो उसके मुताबिक ही ये टाइम आ रहा है। अच्छा, अब क्या है, अगर आप एडमिन में, अब मैं जाता हूँ वेबसाइट के, तो वेबसाइट के एडमिन में जाके अब मैं चेक करता हूँ कि मेरी ये जो वेबसाइट है इसके ऊपर कमेंट्स क्या क्या आए हैं। अभी तक कह रहा है नो कमेंट्स, लेकिन क्योंकि अब एक कमेंट आ चुका है तो अब ये मुझे वो एक कमेंट दिखाएगा कि भाई एक कमेंट आ गया है लेकिन अप्रूव नहीं किया आपने। अच्छा, अगर मैं समझता हूँ ये कमेंट जो है ये सही है, मतलब मैं ठीक है, मतलब ये किसी ने कोई स्पामिंग नहीं की। असल में कई लोग क्या करते हैं, आपकी वेबसाइट के ऊपर आकर आपको गलत कमेंट्स दे देते हैं या स्पैम कर रहे होते हैं। आपकी वेबसाइट के बारे में बात नहीं कर रहे होते बल्कि आपकी वेबसाइट पे कमेंट करते हुए अपनी वेबसाइट का नाम वहाँ लिख जाते हैं ताकि उनकी वेबसाइट पॉपुलर हो जाए, तो उनको फिर आप क्या कर देते हैं, स्पैम या ट्रैश का बटन दबा देते हैं। तो मैं वेबसाइट का एडमिन हूँ, मैंने समझा कि अच्छा ये वाकई किसी जेन्युइन पर्सन ने कमेंट दिया, मैंने इसको क्या कर दिया, अप्रूव कर दिया। लो जी, ये अब अप्रूव हो गया कमेंट। तो वहाँ पे भी जब जिस जगह पे ये कमेंट आ रहा था वहाँ पे भी अभी ये देखें लिखा हुआ आ रहा कि ये अभी कमेंट अप्रूव नहीं हुआ, लेकिन अब जब मैंने उसको व्यू, अब ये अप्रूव हो गया। यानी ये देखें कमेंट के साथ अब कोई ऐसा लिखा नहीं आ रहा, अप्रूव हो गया। लोग अब इसके ऊपर, इस कमेंट पर भी रिप्लाई कर सकते हैं कोई और लोग जो है ना, जिस तरह हम फेसबुक वगैरह पे किसी चीज़ पे कमेंट करते हैं और फिर दूसरे लोग हमारे कमेंट पे भी अगर किसी को एतराज़ हो तो वो उस पे भी रिप्लाई कर सकते हैं या नया कमेंट भी दे सकते हैं। तो ये असल में ब्लॉग का सारा सिस्टम कमेंट रिप्लाई इन चीज़ों के ऊपर चलता है, ठीक है जी। जो हमारा पिछला लेक्चर भी ब्लॉग का था, तो कमेंट को यहाँ से आप एक तरह से मॉडरेट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, किस कमेंट को आपने अप्रूव करना है, किसको नहीं अप्रूव करना। जिसको नहीं अप्रूव करना उसको ट्रैश में डाल दें, ठीक है जी। अगर किसी कमेंट को अप्रूव करने के बाद रिप्लाई भी करना है, ये अप्रूव भी कर दिया और रिप्लाई भी कर दिया, या बाद में अनअप्रूव करना है तो आप इस तरह से कर सकते हैं। तो ये अब यानी ये सेफ कमेंट हो गया, आपने अप्रूव कर दिया उसको, ठीक है जी। बाकी अपीयरेंस में हमने काफ़ी चीज़ें देखी थी, थीम है, कस्टमाइज़ करना भी आपको बताया, विजिट के बारे में भी बताया और मेन्यू के बारे में भी बताया। एंड पे है थीम एडिटर। थीम एडिटर ये है कि अगर आपको कोडिंग आती है, प्रोग्रामिंग आती है, विच इज़ बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस कोर्स, हमारे कोर्स से ज़रा वो आगे की चीज़ है, वर्डप्रेस की एडवांस चीज़ें हैं, क्योंकि हमारा जो कोर्स है इसके अंदर हम आपको कोडिंग नहीं सिखाएंगे। तो मतलब अगर आपको कोडिंग आती है तो आप किसी का थीम लेकर भी आप उसको अपना थीम बना सकते हैं, आप उसके अंदर वो चीज़ें भी चेंज कर सकते हैं जिसकी उस थीम के अंदर ऑप्शन नहीं है। लेकिन ये ऐसा कौन कर सकता है जिसको कम से कम ये चार लैंग्वेजेस आती हो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, HTML, CSS, JavaScript और PHP, ये चार लैंग्वेजेस हैं जिसको ये आती हो वो ये कर सकता है। हमारा एक कोर्स वेब डेवलपमेंट का अलहदा से है जिसके अंदर हम कोडिंग के अंदर वेबसाइट डेवलप करना जो है वो सिखाते हैं स्पेसिफिकली, तो वो भी आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो बहरहाल मैं थोड़ा बहुत आपको इसका टच ज़रूर दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है जी। तो थीम एडिटर मतलब ये चारों चीज़ों को तो आप फ्रीली यूज़ करें, लेकिन थीम एडिटर को मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपने इधर जाके कोई कोड में चेंजेस नहीं करनी, क्योंकि आपसे कोई गलती ना हो जाए जिससे आपको ओवरऑल आपकी वेबसाइट जो है ना वो बिल्कुल वो फिर गड़मड़ हो जाएगी, ठीक है जी। क्योंकि ये एक हाईली टेक्निकल एरिया है आपकी वेबसाइट का, ठीक है। उसके बाद है जी प्लगइन्स। प्लगइन्स को आप बहुत दफ़ा प्लगइन्स इंस्टॉल कर चुके हैं तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारी सारे प्लगइन्स आपने इंस्टॉल किए। ऐड न्यू में जाके इंस्टॉल्ड प्लगइन में जो इंस्टॉल हैं वो नज़र आ जाएंगे और न्यू में जाके आप नए प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हैं। प्लगइन एडिटर भी उसी तरह थीम एडिटर की तरह है कि अगर आपको कोडिंग आती है तो आप किसी प्लगइन की फंक्शनैलिटी को भी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो प्लगइन को भी एडिट करने में आपने नहीं जाना वरना आपका प्लगइन जो है
वो डैमेज होने का भी खदशा हो सकता है। यूज़र्स, यहाँ से आपने आके यूज़र्स को चूज़ करना है कि भाई आपने मतलब एडमन का यूज़र, एक तो ऑटोमेटिकली स्टार्ट जब वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं तो आपका एक यूज़र बन जाता है। अगर आप चाहते हैं कि एक वक्त में दो बंदे इस वेबसाइट के ऊपर काम कर रहे हों, वो इसमें पेजेस ऐड कर रहे हों, तो आप क्या करेंगे, आप एक और यूज़र क्रिएट कर देंगे। कैसे क्रिएट करेंगे ये देखें, ऐड न्यू यूज़र, ठीक है जी, आपने कोई नया यूज़र। अब मैं काम जब करता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, जिस क्लाइंट के लिए वेबसाइट बना रहा होता हूँ तो मैं उनको भी एक यूज़र क्रिएट करके दे देता हूँ। से मैं उनका उनके यूज़र का नाम रख दिया जी मेन यूज़र, उसका ईमेल एड्रेस दे दिया, उसका नेम दे दिया, लास्ट नेम दे दिया, ठीक है जी। वेबसाइट दें चाहे ना दें कोई मसला नहीं है, बस पासवर्ड ज़रूर देना है आपने। शो पासवर्ड का बटन दबाएं, ये पासवर्ड आ जाएगा। अगर आपके लिए ये मुश्किल है, आपने सिर्फ ये यूज़र नेम और पासवर्ड बताना है, किसको बताना है, जिसके लिए आप ये वेबसाइट बना रहे हैं, जिसके लिए आप ये वेबसाइट बना रहे हैं आप इसको भेज दें। अब आपको थोड़ा सा रोल्स के बारे में मैं बताऊंगा। ये दो रोल्स तो इसके बारे में अभी मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये रोल मैंने एक स्पेसिफिक प्लगइन इंस्टॉल किया है SEO Yoast, तब ये प्लगइन ये रोल्स आ रहे हैं, वरना ये छः ये पांच रोल्स जो हैं नॉर्मली होते हैं। तो इसमें सबसे टॉप लेवल का रोल को क्या है, वो है एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर वो होता है जो कि वेबसाइट के अंदर कोई यूज़र भी क्रिएट कर सकता है, वेबसाइट को के अंदर पेजेस को डिलीट भी कर सकता है, ये सारे काम कर सकता है। एडिटर का रोल जो है वो यूज़र्स तो नहीं क्रिएट कर सकता, लेकिन वो क्या कर सकता है, वो जो भी डाटा वगैरह ऐड किया हुआ है या पेजेस ऐड किए हैं उनको चेंज कर सकता है। ऑथर जो होता है ये क्या है, ये नए पेज ऐड कर सकता है, और ये नए जो है वो पेज ऐड करने के साथ साथ ये नए रोल्स भी क्रिएट कर सकता है। अच्छा जी, आपने एडमिनिस्ट्रेटर सबसे टॉप लेवल का रोल है, एडिटर जो है वो एडिट कर सकता है डॉक्यूमेंट को, ऑथर जो है वो नए पेजेस ऐड करता है, ठीक है जी, कंट्रीब्यूटर जो है ये भी पोस्ट ऐड कर सकता है, लेकिन सब्सक्राइबर जो है वो सिर्फ क्या कर सकता है, व्यू कर सकता है, कमेंट कर सकता है, ये कोई नई पोस्ट ऐड नहीं कर सकता, ठीक है जी, ना ये कोई चेंजेस कर सकता है, ये ओनली व्यू कर सकता है या कमेंट कर सकता है। तो इस तरह से अब आपने डिसाइड करना है कि आप दूसरे यूज़र को क्या फैसिलिटी देना चाह रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि कोई पर्सन इसके अंदर न्यू जो है वो पेजेस बस ऐड कर सके, कोई प्लगइन ना इंस्टॉल कर सके, ठीक है जी, कोई जो है वो नया मतलब इसके अंदर कोई जो है वो कोई थीम नया ना ऐड कर सके, तो फिर जस्ट आपने उसको ऑथर बता देना, ठीक है जी, मतलब वो उसमें चीज़ें ऐड करता जाएगा, पेजेस वगैरह ऐड करता जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वो कोई यूज़र भी क्रिएट नहीं कर सकता, ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कोई नया यूज़र आप बनाना चाहते हैं और दूसरे यूज़र जो है वो भी उस यूज़र वो नए यूज़र और भी खुद भी क्रिएट कर ले, तो फिर आप वो न्यू यूज़र जो होगा उसको आपने रोल दे देना एडमिनिस्ट्रेटर। तो मैं अभी एक नया यूज़र बनाता हूँ, मेन यूज़र, और ईमेल दे दिया, से मैंने ईमेल दे दिया ये, और फर्स्ट नेम रख दिया उसका सुहेल अहमद, वेबसाइट कोई नहीं उसकी दी, ऐड न्यू यूज़र कर दिया। तो अब देखें एक नया यूज़र क्रिएट हो चुका होगा, अब इससे भी लॉगिन किया जा सकता है, ये जो मेन यूज़र उसका नाम है, पहले मेरे पास सिर्फ एडमन था, अब इससे भी मैं लॉगिन कर सकता हूँ, ये भी बंदा लॉगिन होगा, इसके पास वही अथॉरिटीज़ होंगी जो मेरे पास होंगी, ठीक है जी। अब ज़रा देखें, अगर मैं इस यूज़र को एडिट करके मैं कहता हूँ कि नहीं ये एडमिनिस्ट्रेटर ना हो बल्कि ये क्या हो, इसका रोल एडिट कर दिया, इसको मैंने कर दिया सिर्फ चलें जी सिर्फ मैं कहता हूं जी कंट्रीब्यूटर कर दिया, अपडेट यूजर,
अब इस यूज़र को मैंने अपडेट कर दिया, अब यूज़र्स में जाके चेक करें तो अब इसके अंदर आ गया कि ये कंट्रीब्यूटर है। अच्छा, अब मैं आपको इससे लॉगिन करके बताता हूँ। जब आप इससे लॉगिन होंगे तो आपको वो सारी, मैं जानबूझ के दिखाना चाहता हूँ वो फैसिलिटीज़, के जब आपके पास दूसरे लेवल का यूज़र होगा तो आपके पास वो, अभी देखिएगा ये देख लें अभी कितने मेरे पास ऑप्शंस हैं सारे, लेकिन जब मैं कंट्रीब्यूटर से लॉगिन होऊंगा, इसका मैं पासवर्ड मुझे नहीं याद रहा कि वो क्या रखा था, मुझे अब इस वक्त पता नहीं है, तो इसका पासवर्ड मैं चेंज करता हूँ। मैं कुछ सादा सा पासवर्ड अभी रख देता हूँ। चलो मैंने अभी ये रख लिया, कंफर्म वीक पासवर्ड, ये वीक पासवर्ड है, लेकिन मैंने कंप्यूटर को कहा कोई बात नहीं वीक पासवर्ड ही रख दो। अब मैंने अपडेट यूज़र किया, वो यूज़र अपडेट हो गया। अब मैं आपको चेक करवाता हूँ, अब ज़रा देखें, अब मैं वो कंट्रीब्यूटर जब लॉगिन होगा, अब कंट्रीब्यूटर लॉगिन होगा यहाँ पे, मैं यहाँ पे जो नया यूज़र क्रिएट किया है मैं उससे लॉगिन करता हूँ। तो ये देखिएगा, उसका नाम है जी मेन यूज़र, और उसका मैंने पासवर्ड भी सिंपल सा ही रखा था। अब आप जब इस यूज़र के पास जाएंगे तो देखें ये यूज़र कोई पेजेस क्रिएट नहीं कर सकता, कंट्रीब्यूटर है, पेजेस नहीं क्रिएट कर सकता, पोस्ट ऐड कर सकता है, ठीक है जी, ये देखें कोई नई पोस्ट ऐड कर सकता है, ठीक है जी, स्लाइडर को, स्लाइडर कस्टम स्लाइडर को अभी देख लेते हैं, कस्टम स्लाइडर कहाँ यूज हो रहा है, मतलब देखें ना इसके पास कोई प्लगइन का ऑप्शन है, ना इसके पास कोई वो अपीयरेंस का ऑप्शन है, कोई और चीजें ये यूजर नहीं कर सकता। जस्ट अ मिनट, इंटरनेट का कुछ इशू लग रहा है। ठीक है जी, पोस्ट कर सकता है ये ऐड, मैं इसका पासवर्ड भी सेव कर लेता हूँ, कस्टम स्लाइडर में जाता हूँ तो स्लाइड्स जो है नई स्लाइड्स ये ऐड कर सकता है, कोई न्यू स्लाइड ऐड करनी है तो वो ऐड कर सकता है। ठीक है जी, स्लाइड्स ऐड कर सकता है या पोस्ट ऐड कर सकता है, ये स्लाइडर का एक प्लगइन है, उसमें ये ऑप्शन होगा कि ये वो स्लाइड्स ऐड कर सकता है, कमेंट्स कर सकता है। ठीक है जी, कमेंट्स को अगर किसी पोस्ट के ऊपर, क्योंकि ये पोस्ट कर सकता है तो ये पोस्ट के ऊपर जो कमेंट्स आए हैं ये उनको भी व्यू कर सकता है। ठीक है, लेकिन आप ये देखें इसको कमेंट्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं कि कौन कौन से कमेंट्स हैं, अपना प्रोफाइल ये चेक कर सकता है, अपना पासवर्ड वगैरह चेंज कर सकता है, कोई नया यूज़र नहीं बना सकता। ठीक है जी, लेकिन ये देखें ये इसका लेवल क्या था, ये कंट्रीब्यूटर था। ठीक है, लेकिन ये जो यूजर है ये है एडमिनिस्ट्रेटर। तो इस तरह डिफरेंट लेवल के हम यूजर्स यहां पे बना सकते हैं, और कौन बना सकता है याद रखना है, कौन बना सकता है, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर बना सकता है। ठीक है, अगर आपने किसी को एडमिनिस्ट्रेटर यूजर बना के दे दिया तो अब वो समझे कि वो खुद और नए यूज़र भी क्रिएट कर सकता है। ठीक है जी, चलें जी, आज के लिए फिर इतना ही काफ़ी है, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इसको, अभी और एक्सप्लोर करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।